तो आज से करीबन 4 साल पहले मैंने देखी थी रिक स्मिथ की कार्ड थ्रोइंग वीडियो। तो उनकी वीडियो देखने के बाद मेरा भी बहुत मन था कि आखिरकार मुझे भी सीखना है कार्ड को कैसे थ्रो करते हैं। तो यार मैं थोड़ा बहुत कार्ड को थ्रो करना सीख गया था, बट मैंने कभी भी उनकी तरह किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट को कट करके ट्राई नहीं किया था। तो आज इस वीडियो में मैं करीबन 4 साल बाद फिर से ट्राई करने वाला हूँ कार्ड थ्रोइंग, और मैं ट्राई करके देखूंगा सब्जियों को काटने का कि क्या मैं काट पाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कार्ड को थ्रो कैसे किया जाता है। तो उसके लिए इस 2 उंगलियों से पकड़ के फेंका जाता है, इतना तो मैंने सीखा था जो मुझे अभी भी याद है। बाकी का अपन खुद से करेंगे अब एक्यूरेसी वगैरह, क्योंकि देखो यार ट्रिक तो तुम्हें कोई भी देख के बता देगा, बट एक्यूरेसी कब आएगी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। तो उसके लिए ये जो कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए, तो सबसे पहले अपन को चाहिए न्यू डेक ऑफ कार्ड। अभी दुकान पे जाएंगे लेकर आएंगे। तो अब आ गए हैं कार्ड भी और सब्जियां भी, तो अब मैं नए कार्ड के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूँ इन सब्जियों पे। तो अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास सब्जियों में क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है बीन्स जो कि सबसे पतली है, तो इसमें सबसे पहले ट्राई करेंगे। फिर हमारे पास भिंडी, उसके बाद है गाजर, फिर हमारे पास तुरई, तुरई के बाद हमारे पास खीरा। और मुझे पता है स्पीड और एक्यूरेसी अगर एक बार बैठ गई फिर इनमें से किसी चीज़ को भी काटा जा सकता है। ये मुझे अभी से ही थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा टाइट है, और हमको यार प्लास्टिक के कार्ड मिले ही नहीं, हमको मिले हैं नॉर्मल पेपर वाले कार्ड, तो उससे इसको काटना बहुत मुश्किल है। और यहाँ हमने लगा दी अपनी पहली सब्जी जो कि है बीन्स। हम ट्राई करने वाले हैं इस बीन को कट करने का। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि 3 कार्ड में से किसी एक से तो यार ये कट हो ही जाए, और बाई लक क्या पता पहले कार्ड से ही कट हो जाए। तो मुझे ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है, बट ट्राई करके देखते हैं। यार कार्ड तो सीधा गया, एटलीस्ट कार्ड सीधा गया। मेरे को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि कार्ड मेरा सीधा जाएगा। ट्रिक मुझे पता है क्योंकि कार्ड को कैसे फेंका जाता है, तो सीधा कार्ड मेरा तो जाएगा। अब चाहिए अपन को स्पीड और एक्यूरेसी। यार ये तो उड़ गया, पता नहीं कहाँ ही जाके गिरा है कार्ड। फोर्थ ट्राई में हमने फाइनली इसको कट कर दिया। तो फाइनली यहाँ पे हमने 4th कार्ड में यहाँ पे इसको थोड़ा सा काट दिया है। अब इसको और काटते हैं। ये टच हुआ था बट कटा नहीं। तो फाइनली यहाँ पे कट चुकी है 4 बार ट्राई करने के बाद। तो अब बारी है इस भिंडी की, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ये है मेरा 1st ट्राई इस भिंडी के लिए। एक्चुअली यार ये जो मैं पहने हूँ ना ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, और ये पहली बार में कट चुकी है। तो ये पहली बार में कटी, क्यों कटी? क्योंकि पहले हमने प्रैक्टिस कर ली थी। यार प्रैक्टिस हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मेरा 2nd ट्राई है इसके लिए। सो क्लोज, फिनिश, बहुत ऑसम। मतलब यार देख रहे हो हर 3 से 4 बार ट्राई करने पे बहुत इजीली कट जा रही है। तो अब बारी है इस गाजर की, इसको काट के देखते हैं। कट चुका है। ओ यार मतलब क्या ही हुआ। तो अगर मैंने इस तुरई को एक बार में ही काट दिया तो आप इस वीडियो को अभी की अभी लाइक करोगे। चलो ये बिल्कुल अनकट है, आप देखना मैं यूज कर रहा हूं इक्का। यार कट लगा, देखो देखो चीटिंग नहीं होगी, कट लगा है। देखो देखो ये कट लग चुका है, बिल्कुल थोड़ी सी बची है। तो अब हम ट्राई करने वाले हैं इस खीरे को काटने का, देखते हैं कट होता है या नहीं। कट हुआ था बट प्रॉपर कट नहीं हो पाया। ओह शिट। तो यार ये कट तो हुआ है बट अभी प्रॉपर कट नहीं हुआ है, तो एक बार प्रॉपर कट करते हैं। तो गाइस आखिरकार इतने ज़्यादा ट्राई करने के बावजूद भी मैं इसको नहीं काट पाया। शायद ये मैंने बहुत टाइम बाद ट्राई किया था इसलिए नहीं, इसमें लगेंगे कम से कम 4 से 5 दिन की प्रैक्टिस, उसके बाद मैं मोटे से मोटी चीज़ को भी परफेक्टली काट पाऊँगा। और ये प्लास्टिक कार्ड नहीं थे, पेपर कार्ड थे, इस बात का ध्यान रखना। इसमें पेपर लगा हुआ है और देखो ये पेपर गलना चालू हो गया है। यहाँ पे खीरे में से पानी निकल रहा है और ये पेपर गल चुका है, तो आप सोचो ये पेपर से मैंने काटे हैं इसको, ठीक है। और यार इसकी हालत देखो, इसमें कितनी जगह कट लगे हैं। सबसे बड़ा यहाँ,
फिर यहाँ, फिर ये, फिर वो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई साहब, इतने सारे इसमें कट लगे हैं फिर भी ये पूरा नहीं कटा, क्या ही हो सकता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि फेंकते फेंकते मैं भी थक गया था, हाथ में भी हल्का सा दर्द होने लगा था, इसलिए वो जो स्टार्टिंग में पावर लग रही थी वो नहीं लग रही थी। सच बताऊं तो अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि पहले बड़ी चीज़ से ट्राई करूंगा फिर छोटी चीज़ पे जाऊंगा, क्योंकि छोटी चीज़ तो हल्की ताकत में भी कट जाती है, बड़ी चीज़ में ज़्यादा ताकत लगती है, और मैंने छोटी चीज़ों में अपनी सारी ताकत वेस्ट कर दी। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना मत भूलना, मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।